अल्टो में बात करेंगे। एक फीचर होता है वाइल्ड फायर, बहुत पॉपुलर फीचर है वाइल्ड फायर। ऑल ऑल्टो में इसे वाइल्ड फायर बोलते हैं, टेक पॉइंट में इसे बोलते हैं सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग टेक पॉइंट में और 40K में इसे सैंड बॉक्सिंग कहते हैं। एक और नाम है इसका आपका कौन सा फायर बोल, उसको कहा बचता है ना, सिस्को FTD। FTD में इसे बोलते हैं टैलोज, TELOZ। देखो फीचर सेम है बट बैकग्राउंड की वर्किंग होती है डिफरेंट, ये पॉसिबल है। पालो अल्टो में इसे बोलते हैं वाइल्ड फायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करता हूँ फायरवॉल की। पहले अगर 5-6 साल पहले देखें तो फेसबुक ऐसा नहीं था, गूगल इतना एडवांस नहीं था, जीमेल इतना एडवांस नहीं था। आजकल मतलब इतना ऑथेंटिकेशन, टू वे ऑथेंटिकेशन, OTP आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एड ऑन होती जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, व्हाट्सएप नहीं था। तो अब क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के साथ में ना लिंक होने लगा है। तो अगर मैं बात करूँ फायरवॉल के कॉम्पिटिशन, लेयर 7 पे तो सारी फायरवॉल काम कर रही है, भी चल रहा है, पालो अल्टो भी चल रहा है, टेक पॉइंट भी चल रहा है, अपना माइक म्यूट कर देना, कुछ पूछना हो तो माइक म्यूट कर देना, कुछ पूछना हो तो बस मेरी की रिपीट हो रही है। थैंक यू। तो देखो लेयर 7 पे ए से नहीं करता, सॉरी FTD कर रहा है, पालो अल्टो है, चेक पॉइंट है, 40K है, ठीक है, वो तो बात सही है। बट अब वाइल्ड फायर समझने के लिए ना एक सिंपल सी सिचुएशन बनाता हूँ जिससे पूरा वाइल्ड फायर समझ में आ जाता है। सारी लेयर 7 पे काम कर रही हैं लेकिन सबका इंस्पेक्शन क्या है अलग अलग। अब देखो वाइल्ड फायर क्या फीचर है, वाइल्ड फायर का, वाइल्ड फायर कहता है फायरवॉल की इंडस्ट्री में वाइल्ड फायर या फिर सैंडबॉक्सिंग जो भी है, ये टेक्निक कहती है कि वही बेस्ट फायरवॉल होगा जो इंटेलिजेंस ब्रिंग करेगा आउटसाइड से। लेट्स से मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक फायरवॉल है, कोई सा भी है, ठीक है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस डेफिनेशन इंस्टॉल्ड है, राइट, जहां पे क्या है आपके मतलब 1 लाख टाइप ऑफ वायरस का एक डेटाबेस बना हुआ है, वो उसको मैच करा के इंस्पेक्ट करती है, या फिर सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, सिग्नेचर्स हैं जो इसमें इसके वायरस डेफिनेशन में इंस्टॉल्ड है इस फायरवॉल, ठीक है, हैं। इन 1 लाख में से मिल जाता है तो फायरवॉल डिसीजन ले लेती है, जब नहीं मिलता है तब क्या होगा, ठीक है। तो एक कहानी है इसकी बहुत ही अच्छी सी जो मैं सुनाता हूँ, देखो क्या कहानी है इसकी। मान लो एक फायरवॉल है, आउटसाइड इंटरनेट है आपका, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने क्या करा, एक सर्वर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं XXXX, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनका इन्होंने क्या करा कि एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ठीक है, ठीक है, R2V1 नाम का, ठीक है, R2V1 नाम का एक नया सॉफ्टवेयर क्या करा इन्होंने, डेवलप कर दिया जी, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने किया डेवलप, ठीक है। हमारी फायरवॉल आज तक अप टू डेटेड है, ठीक है, हमारी फायरवॉल आज तक अप टू डेटेड है, जो भी मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं, अप टू डेटेड। फायरवॉल कनेक्टेड है एक स्विच से और स्विच कनेक्टेड है हमारे कंपनी के लैब से, मल्टीपल यूजर्स से, ठीक है। अभी बात आती है कि भैया आपका जो यूज़र है, यूज़र बेस है, ठीक है, आपके यूजर्स हैं ABC। देखो कंपनी में ऐसा फॉर श्योर होता है
मिलीशियस वेबसाइट को हैक सॉरी एक्सेस करने के लिए एम्प्लॉय ट्राई करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है। इवन हम आईटी वाले हैं तब भी छोटा मोटा ऐसा काम एक करते ही रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स काइंड ऑफ। तो मान लो कि इस यूजर ने ना इस R2V1 नाम की जो एप्लीकेशन है, मान लो ये कोई ऐप है या फिर एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा, जो कुछ भी मतलब छोटे छोटे काम करता है, या फिर क्या करता है, की जनरेट करता है, या फिर आप और कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मान लो एनक्रिप्शन करता है वर्ड फाइल का। तो इस यूजर ने क्या करा भाई, इस यूजर ने देखा एक नया सॉफ्टवेयर आया मार्केट में R2V1, ठीक है। ये अभी 10-12 घंटे पहले ही रिलीज हुआ है और इस सॉफ्टवेयर के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड वाइड ISP के साथ में फायरवॉल सिर्फ एक नहीं है, ये आप जानते हो, लैक्स और करोड़ ऑफ फायरवॉल्स हैं, ठीक है, करोड़ ऑफ फायरवॉल्स हैं, ओके। तो ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, इसका अपडेट तो किसी भी फायरवॉल के पास नहीं है, ठीक है, किसी भी फायरवॉल के पास इसका अपडेट नहीं है, जो ये नया सॉफ्टवेयर 10-12 घंटे पहले डेवलप किया गया 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्सों के द्वारा। अब क्या होगा, देखो इसने देखा, यूजर ने, कि हाँ भाई एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इंटरनेट पे R2V1 नाम की, ये मुझे मिल रही है, इससे मेरा टास्क परफॉर्म होगा, मुझे कुछ जिप करनी है फाइल, वो हो जाएंगी। तो ये यूजर क्या करता है, सिंपली देखो, इससे पहले ये इस एप्लीकेशन को समझूं, एक चीज और बताता हूँ, हर एक एप्लीकेशन का ना एक सिग्नेचर डिफाइन होता है, ठीक है, सिग्नेचर या फिर आप डेफिनेशन कहते हो, एक सिग्नेचर डिफाइन किया जाता है। अगर वो फाइल एक ओरिजिनल फाइल है, ठीक है, वैलिड फाइल है, तो कैसा सिग्नेचर होगा, वैलिड या फिर क्लीन सिग्नेचर है, ठीक है। इनवैलिड फाइल है, मिलीशियस फाइल है, मतलब ये जो फाइल है इसमें क्या है भैया, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में सिस्टम से डेटा चोरी किया जाता है, आपकी या फिर आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड चोरी किए जाते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डाउनलोड कर ली जाती है, पास या फिर आपके सी ड्राइव का एक्सेस ले लिया जाता है, अदर ड्राइव का एक्सेस ले लिया जाता है। तो कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर है, तो सिग्नेचर कैसे होगा इसके, इनवैलिड। हमारी फायरवॉल सिग्नेचर के बेसिस पे डिसीजन लेती है, या फिर फायरवॉल में जो एंटीवायरस डेफिनेशन होती है उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, सिग्नेचर्स का डेटाबेस होता है उसके पास। तो सिग्नेचर को क्या करती है, वो इंस्पेक्ट और डिसाइड करती है कि ये एप्लीकेशन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। आज आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, प्ले स्टोर पे जाके आप चाहते हो कि एक एप्लीकेशन अपनी बना करके हम अपनी अपलोड कर देते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर गूगल का ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी अपनी एप्लीकेशन डेवलप करके और वहाँ पे अपलोड कर सकता है, ठीक है, कर दी। अब होता क्या है कि आप कर तो सकते हो, बट उसको कौन इंस्पेक्ट करेगा, प्ले स्टोर की टीम जो बैठी है गूगल की, गूगल प्ले स्टोर की जो टीम बैठी है, वो उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को क्या करेगी, एनालाइज, देन दे विल डिसाइड कि इसका सिग्नेचर क्या रहेगा, वैलिड इनवैलिड वट एवर इट इज, कि ये सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक वेबसाइट होती है, एक SSL और एक विदाउट SSL, तो एक सिक्योर एक नॉट नॉन सिक्योर, राइट, लाइक HTTP और HTTPS, सेम गोज फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। ये फायरवॉल, अब ये जो सॉफ्टवेयर बना R2V1 फायरवॉल के डेटाबेस में नहीं है, फायरवॉल को तो पता ही नहीं है, 12 घंटे पहले सॉफ्टवेयर बना है, कैसे पता होगा फायरवॉल को, नहीं पता, ठीक है। तो क्या होगा, ये यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है फायरवॉल को, फायरवॉल का सिंपली रूल एप्लीकेबल होता है इनसाइड टू आउटसाइड, रिक्वेस्ट गई आउटसाइड एंड सर्वर को रीच करती है, इनका सर्वर जो है ये वाला है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक सर्वर रखा है इनका, ठीक है, इस सर्वर को रीच करती है जिसका IP है 1.1.1.1, इस सर्वर को रीच करती है इनकी रिक्वेस्ट, रीच कर गई। सर्वर ने अपना काम करते हुए R2V1 एप्लीकेशन का, जैसे यूजर ने डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, इसने ये R2V1 नाम का सॉफ्टवेयर रिवर्ट में सेंड कर दिया कि हाँ जी आप डाउनलोड कर लो, फायरवॉल के पास आ गया। फायरवॉल ने कंटेंट आईडी फीचर ऑन कर रखा था,
फायरवॉल के अंदर कंटेंट आईडी फीचर ऑन था। अब कंटेंट आईडी फीचर ऑन था तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर कंटेंट आईडी फीचर ऑन था तो एंटीवायरस चेक होगा, एंटी स्पाईवेयर चेक होगा, चाहे पैकेट इनसाइड से आउटसाइड जा रहा हो चाहे आउटसाइड से इनसाइड। कल मैंने आपको जब एंटीवायरस पॉलिसी दिखाई थी तो उसमें मैंने एक ऑप्शन दिखाया था जहाँ पे बोथ लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, अगर आप बोथ सेलेक्ट करते हो तो दोनों तरफ से क्या होता है, इंस्पेक्शन, एंटीवायरस इंस्पेक्शन परफॉर्म होता है। तो एंटीवायरस इंस्पेक्शन परफॉर्म होगा, डेफिनेटली होगा, R2V1 से होगा, बट हमारी फायरवॉल के डेटाबेस में इस एप्लीकेशन का कोई भी सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है। हमारी फायरवॉल के डेटाबेस में इस एप्लीकेशन का कोई भी सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है। अब क्या होगा जी, सिग्नेचर ही नहीं है फायर इसका, तो 1.1.1 है, सॉरी R2V1 जो एप्लीकेशन है इसका कोई सिग्नेचर नहीं है हमारे पास। तो फायरवॉल क्या करती है इस केस में, जब भी फायरवॉल को अननोन सिग्नेचर से फाइल रिसीव होती है, अननोन सिग्नेचर से फाइल रिसीव होती है, तो इस केस में क्या होता है, अगर आपने वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ है पालो अल्टो से ले रखा है, अगर आपने वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन, इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है आपको अमाउंट, वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो क्या होगा, इस अननोन सिग्नेचर को क्या करवा दिया जाएगा, चेक करवा देंगे या फिर जो भी है, मतलब डिसीजन ले लेंगे कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं। अब आपकी फायरवॉल क्या करती है, देखो फायरवॉल इस केस में अननोन सिग्नेचर है, फायरवॉल सिंपली ट्रैफिक को कर देगी पास कि भैया ये अननोन सिग्नेचर है। मान लो आपने अब क्या कर रखा है, वाइल्ड फायर फीचर आपने परचेज किया हुआ है सब्सक्रिप्शन। वाइल्ड फायर फीचर के अंदर क्या होता है, वाइल्ड फायर फीचर को मैंने बताया जैसा, ठीक है, फायरवॉल वही बेस्ट है विच ब्रिंग्स इंटेलिजेंस फ्रॉम आउटसाइड, विच ब्रिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम आउटसाइड। तो वाइल्ड फायर फीचर है ना, ये ना आउटसाइड से क्या लेके आता है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लेके आता है। कैसे, फायरवॉल है, ISP है, क्या होगा यहाँ पे आपका, सॉरी वाइल्ड फायर फीचर आपने इनेबल करा हुआ है, ये वाइल्ड फायर फीचर जो फायरवॉल का है ये किससे सिंक होता है, आपका एक पालो अल्टो क्लाउड है, लेट सपोज ये क्लाउड है, किसका है ये, क्लाउड पालो अल्टो, ठीक है। अब इसके अंदर ना टीम बैठी रहती है, इस क्लाउड मतलब क्लाउड पे जो मशीन्स लगी रहती हैं उनको कौन मैनेज कर रही होती है, एक टीम होती है इनकी, पालो अल्टो की एक टीम है, राइट, पालो अल्टो की एक टीम है, वो क्या कर रही होती है, इस क्लाउड पे वर्क। इस क्लाउड में क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे हम VMware मशीन चला रहे हैं, VMware के अंदर हमने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, विंडोज 10 इंस्टॉल किया हुआ है, विंडोज 7 इंस्टॉल किया हुआ है, लिनक्स किया हुआ है ना, तो ऐसे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहते हैं, ये सर्वर होते हैं VMware या फिर VMESXi सर्वर्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या इंस्टॉल रहता है आपका, बहुत सारी मशीन्स, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल रहती हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ से तो फायरवॉल ने फिलहाल अननोन सिग्नेचर वाले R2V1 फाइल को ट्रांसफर कर दिया, बट जब भी फायरवॉल को अननोन सिग्नेचर रिसीव होता है और अगर आपने वाइल्ड फायर फीचर ले रखा है तो फायरवॉल क्या करेगा, उसकी एक कॉपी किसको भेजेगा, क्लाउड पे, कौन से क्लाउड पे, पालो अल्टो के वाइल्ड फायर क्लाउड पे ये सिग्नेचर या फिर ये फाइल थी जो R2V1 नाम की सेंड करी जाएगी, जहाँ पे वर्चुअल मशीन्स हैं बहुत सारी और इंजीनियर्स की टीम है, सिक्योरिटी की, राइट। अब क्या होगा, उस फाइल को जो आपके R2V1 जो फाइल है उसे क्या करा जाएगा, इंस्टॉल, एक वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, उस जो R2V1 जो एप्लीकेशन है उसका इंस्पेक्शन करेंगे कि ये फाइल, क्या ये फाइल मिलीशियस है या नहीं है, मतलब क्या ये आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए भेजा गया एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये डिसीजन कौन लेता है, वाइल्ड फायर क्लाउड। अब इसके बाद क्या होता है, मान लो ये मिलीशियस है, ठीक है, तो क्या होगा,
इसका सिग्नेचर इस R2V1 फाइल का सिग्नेचर ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि भाई ये तो एक इनवैलिड फाइल है, और फिर क्या होगा, पालो अल्टो एक अपडेट रिलीज करेगा, पालो अल्टो एक अपडेट रिलीज करता है, इस फायरवॉल को देगा और पूरे वर्ल्ड वाइड पालो अल्टो की जितनी भी फायरवॉल्स हैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख और करोड़, सारी फायरवॉल को ये अपडेट जाएगा, ये अपडेट सारी फायरवॉल्स को भेजा जाएगा कि एक R2V1 नाम का नया सॉफ्टवेयर आया है विच इज इनवैलिड फॉर अस, ठीक है, मिलिशियस सॉफ्टवेयर है, सो प्लीज ब्लॉक दैट। दिस इज कॉल्ड वाइल्ड फायर विच ब्रिंग्स इंटेलिजेंस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम फायरवॉल के डेटाबेस के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, हम पालो अल्टो के क्लाउड पे जो वाइल्ड फायर फीचर है वो रन करके एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, वो रिपोर्ट में दिखाता हूँ कैसी होती है, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि ये एक वैलिड फाइल है या फिर एक इनवैलिड फाइल है। दिखाता हूँ रिपोर्ट कैसी होती है। देखो ये एक वाइल्ड फायर रिपोर्ट का सैंपल है, सैंपल तो क्या है, मतलब होती है ऐसी, ठीक है, तो ये है आपकी वाइल्ड फायर एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो इसमें वाइल्ड फायर एनालिसिस रिपोर्ट है, ठीक है, डायनामिक एनालिसिस विंडोज 7 अडोब रीडर जो भी कुछ है, ठीक है। फिलहाल ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है विच वी आर नॉट गोइंग टू कवर हियर। अब देखो पेन ओपन हो जाए, फाइल इंफॉर्मेशन पहला स्टेप है, पहला कॉलम कहता है फाइल इंफॉर्मेशन, फाइल टाइप कैसा है, पी फाइल टाइप है, SHA-256 एनक्रिप्शन यूज कर रहा है, MD5 का ये हैशिंग ये है इसका, फाइल साइज कितना है 29 MB जो भी है, समथिंग बाइट्स में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, फर्स्ट सीन, पहली बार कब देखा गया, टाइम स्टैम्प लगा रखा है 2014 में। वर्डिक्ट क्या है, ऐसा लगता है कि एक मैलवेयर है, ठीक है, ऐसा लगता है इसको देख के कि ये क्या है, मालवेयर, ठीक है। अब एंटीवायरस कवरेज और ये डिटेल है, ये लिंक है, इससे जाके आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, चले आगे। अब एनालिसिस देखो किया गया इसका, जब ये फाइल आई तो इसका क्या किया गया, एक डायनामिक एनालिसिस, डायनामिक मतलब ऑटोमेटिक, सिस्टम ने किया, हमने नहीं किया, हमारे जो VM मशीन है उन्होंने किया। Behavioral summary क्या कहती है, this sample was found to be malware on this virtual machine, ठीक है। अब देखो behavior देखो क्या है, पहला step कहता है created a file in the windows folder, जैसे आपने वो software install किया तो इसने क्या किया, एक file बनाई windows folder के अंदर जाके, program files जो आपका C drive में folder होता है उसमें, फिर क्या करा, use the post method in HTTP, फिर क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन विंडोज सिस्टम फोल्डर, ठीक है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन अ यूजर डॉक्यूमेंट फोल्डर, स्टार्टेड अ प्रोसेस फ्रॉम द यूजर डॉक्यूमेंट फोल्डर, स्पॉन्ड न्यू प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को क्या कर रहा है, स्पॉन मतलब हाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है इस एप्लीकेशन ने। इसके बाद देखो इस एप्लीकेशन ने क्या करा, डिलीट इटसेल्फ। तो अगर आप ये बताओ कोई एक अच्छा जेन्युइन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो वो अपने आप को डिलीट क्यों करेगा, ठीक है, अगर एक वैलिड सॉफ्टवेयर है तो वो डिलीट क्यों करेगा अपने आप को। नेक्स्ट है इंजेक्टेड कोड इनटू अनदर प्रोसेस, मतलब जो दूसरे आपके जो और सॉफ्टवेयर रन हो रहे थे उनमें क्या कर रहा था, ये इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कुछ मिलीशियस कोड्स को। नेक्स्ट है स्टार्टेड और स्टॉप्ड अ सिस्टम सर्विस, आपकी क्या करा, एक सर्विस को स्टार्ट करा फिर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ये बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, हमें दिख नहीं रहा होता, ये सिस्टम में चल रहा होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड अ फाइल एज ए ऑटो स्टार्ट फ्रॉम लोकल डायरेक्टरी, मॉडिफाइड रजिस्ट्रीज, तो देखो यार अगर कोई भी अगर रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर रहा है इसका मतलब आपका सिस्टम होने वाला है हैक या जो भी होता है, ठीक है।
मॉडिफाइड रजिस्ट्रीज और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टू बी इनेबल ऑटो स्टार्टअप कैपेबिलिटी, मॉडिफाइड विंडोज रजिस्ट्री। तो देखो मिलीशियस तो यही समझ में आ गया था कि ये डिलीट कर रहा है इटसेल्फ, विंडोज की रजिस्ट्री मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है पक्का। नेक्स्ट है चेंज सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोर, उसके बाद चेंज द प्रॉक्सी सेटिंग ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोर, ये ऑटोमेटिक किया है इसने बैकग्राउंड में। मॉडिफाइड द नेटवर्क कनेक्शन, देखो इंटरनेट एक्सप्लोर हम यूज नहीं करते लेकिन होता है हमारे सिस्टम में। मॉडिफाइड द नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग फॉर इंटरनेट एक्सप्लोर, क्रिएटेड और मॉडिफाइड फाइल्स, अटेम्प्ट टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करा अपने आप को, क्या करा उसने, चुपचाप से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, रजिस्ट्री मॉडिफाई हो गई, उसके बाद क्या हो गया, लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो गई, ये स्लीप हो गई। इसका कहने का मतलब ये है भाई स्लीप क्यों हो गई, अब आपको समझाता हूँ कि स्लीप क्यों होती है। स्लीप जब होती है जब एक हैकर ने आपके सिस्टम में एप्लीकेशन भेजी हुई होती है, ठीक है, सर्वर से आपको एप्लीकेशन भेज दी, तो उसके बाद क्या हो गई वो स्लीप। अब हैकर यहाँ बैठ करके जब भी कोई कमांड देगा ना तो वो क्या हो जाएगी, स्लीप से हो जाएगी वेक या फिर अप हो जाएगी, और आपके कंप्यूटर से डेटा लिया जाएगा और हैकर क्या कर देगा वापस उसे स्लीपिंग मोड में डाल देगा फिर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर का पूरा पूरा एक्सेस इस हैकर के पास है, 101% एक्सेस इस हैकर के पास है इस एक सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू, ओके। तो वाइल्ड फायर इस तरह की सिचुएशन से आपको निकालता है, और आगे बढ़ सकते हो आप। DNS क्वेरीज देखो क्या क्या सेंड करी इस एप्लीकेशन ने, इस एप्लीकेशन ने पहले गई इस वेबसाइट पे, फिर गई google.nl पे, ठीक है, google.com पे गई, google.com पे गई, google.nl पे गई, फिर वापस इस पे गई, फिर देखो डायरेक्ट कभी देखो जाना तो इसे इसी पे था, लेकिन वो क्या करता है उसी चीज पे जाने के लिए ना ये सब उसने फेक कर रखे हैं सर्चेस। ये है मेन सर्च आपका, इस वेबसाइट को सर्च मारो ये पक्का इन्फेक्टेड साइट होगी। देखें फाइनली उसको जाना तो इसी पे था, इस URL पे ही जाना है। अभी URL पे क्या है, एक सर्वर है आपका, ठीक है, URL लिंक, ठीक है। देखो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वेरीफाई कर देती हैं इनको, एक दो के नाम मुझे याद थे अब मैं भूल चुका हूँ। ये रहा मेरा URL स्कैनर, यहाँ जाओगे पेस्ट मारो अपना URL, किया एंड देन हिट एंटर, ओप्स यू हैव एंटर द इनवैलिड URL, ओके ठीक है, मे बी ये इनवैलिड होगा। तो जैसे ये वाला देखें, आई डोंट नो कि ये क्या वैलिड है नहीं है, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ये लिस्ट इसकी मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपके जितने भी मिलीशियस URL है ना वो आपको मालूम पड़ जाएंगे। देखो मतलब लिस्ट यार मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी बड़ी लिस्ट है, तो वही है फिलहाल मैं इसको चेक इनवैलिड ही बता रहा है शायद ये वापस से, मेरे पास URL था बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी URL, ओके तो यार इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो इस वाइल्ड फायर रिपोर्ट के थ्रू। अब ये क्या होता है, देखो यार मार्केट में क्या है, पालो अल्टो ऐसा नहीं है सिर्फ अकेला काम कर रहा है, ये इन्फेक्टेड फाइल अगर चेक पॉइंट फायरवॉल पकड़ता तो उसका अपडेट किसे दिया जाता, पालो अल्टो को भी दे दिया जाता, ये लोग आपस में सब लोग मिल के काम करते हैं। हाँ बस होता ये है कि एक वीक मतलब आज पालो अल्टो के पास अपडेट है, एक वीक बाद चेक पॉइंट के पास आएगा, बट आएगा जरूर,
थोड़ा डिले होता है। और एक चीज और बताता हूँ कि आपके जो अपडेट्स हैं, ठीक है, एंटीवायरस अपडेट्स हैं, वो क्या होते हैं आपके बैक टू बैक, मतलब एवरी 24 आवर और एवरी 5 मिनट जो हैं आपके अपडेट्स आपकी फायरवॉल को मिलते रहते हैं। आपकी फायरवॉल ऑटो अपडेट पे लगा के रखते हो आप, और क्या होती जाती है अपडेट। तो देख लो यार, इसमें वाइल्ड फायर रिपोर्ट है, प्रोसेस एक्टिविटी देख लो क्या करा है इसने, ये इस नाम की फाइल बनाई है, देन एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी, फिर HTML क्रिएट किया, ये करा, ठीक है, देन रजिस्ट्री एक्टिविटी, रजिस्ट्री फाइल को एडिट किया, क्रिएट किया, क्रिएट किया, ये सारी रजिस्ट्री जो जो एडिट करी है, पूरा का पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है पूरा डिटेल में, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, ये सारा सबका सब VMware मशीन, VM वर्चुअल मशीन से डाउनलोड किया है। देखो क्या क्या चेंजेस किए हैं इसमें, तो दिस इज अ सैम्पल, बिल्कुल ऐसा ही होता है आपका जो रिपोर्ट होता है। ये है आपका वाइल्ड फायर फीचर, ठीक है। बात करूंगा कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर ये फायरवॉल हमारी ऑन हो गई है शायद, लेट मी चेक 192.168.1.42, आई होप समझ में आया होगा। यस सर। वाइल्ड फायर फीचर चलता है बट इसकी कोई ट्रबल शूट भी नहीं, बस जस्ट एक फीचर है, इनेबल कर दो अपनी फायरवॉल में। सर अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उनके इस पे भी जाएगा क्या अपडेट? तो फिर ऐसा होगा कि ये काम तो क्विकली हुआ था, है ना, पॉलो अल्टो का वाइल्ड हाँ फायर का सब्सक्रिप्शन था, तो ये विद इन 1 घंटा या 30 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट में हो गया, अपडेट मिल गया इस फायरवॉल। लेकिन अगर यही सब्सक्रिप्शन नहीं है तो 1 वीक बाद आएगा आपके पास। आपकी फायरवॉल जब तक आपके पूरे नेटवर्क को, इंटरनल नेटवर्क को क्या कर चुकी होगी, इन्फेक्टेड, मतलब अभी ये सिस्टम था, अब ये स्विच से कनेक्टेड है, इधर से इधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा, तो लैन में जितने भी यूजर हैं सब क्या हुए इन्फेक्टेड, और क्या बन गए इन, ये जो हैकर्स है ना, इसको बोलते हैं बॉट, बॉट नेट आर्मी, बॉटनेट बोलते हैं इस टाइप के सॉफ्टवेयर को जो स्लीप में चले जाता है, बॉटनेट, ठीक है। और ये हैकर्स पावरफुल होते जाते हैं जितने ज़्यादा सिस्टम इनके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो जब ये बॉटनेट कहलाता है, तो ये लोग हैकर्स बोलते हैं इसे बॉटनेट आर्मी। तो ये क्या करते हैं, एक वर्चुअल आर्मी इन्होंने क्रिएट कर ली अपनी, ठीक है। अब इनके पास कंट्रोल है 1 लाख कंप्यूटर जो भी हैं, 10,000 यूजर्स का, कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ओके सर। ये है आपका वाइल्ड फायर का फीचर, फायरवॉल एक्सेस हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, बस आपको वाइल्ड फायर क्लाउड का जो है लोकेशन देना है, और वही वाली बात है, पॉलिसी में जाके कॉल कर दो इसे। ठीक ठीक है सर। नेटवर्क में जाओगे, अपडेट आप वाइल्ड फायर एनालिसिस नाम का ये टैब है, यहाँ गए, यहाँ पे एक डिफॉल्ट पॉलिसी आपको दिखना है, ठीक है। डिफॉल्ट पॉलिसी को देखने के बजाय ऐड पे क्लिक करता हूँ, नेम दे दो पॉलिसी का, क्या पॉलिसी है। तो वाइल्ड फायर हाँ नाम ऐसे दे दो, ऐसे कर दिया, उसके बाद ऐड कर दो आप यहाँ पे नेम, ठीक है। रूल नेम
आप ऑलरेडी दे चुके हो, एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो। देखो नेम नेम दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, exe एग्जीक्यूशन फाइल या जो भी है, ठीक है। ऐड में जाओगे, यहाँ से ना फाइल टाइप ऐड कर दो। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई exe फाइल का इंस्पेक्शन हो, exe फॉर्मेट का, शायद इसमें है, नहीं है, ओके नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया आपका एनी सेलेक्ट करके रखो सबसे बेस्ट, क्यों स्पेसिफाई करो एनी एनी डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, चाहे अपलोड हो रहा हो चाहे डाउनलोड हो रहा हो। एनालिसिस क्या करना है, पब्लिक क्लाउड पे भेजना है या प्राइवेट क्लाउड? अब देखो प्राइवेट क्लाउड का ऑप्शन ऐसा है कि जो एनालिसिस हुआ था ना, जो पालो अल्टो क्लाउड पे जाके, कुछ कंपनी क्या होती है, उनके पास अपना प्राइवेट क्लाउड भी है, प्राइवेट क्लाउड भी उन्होंने बना रखा है, जहाँ प्रॉक्सी और मशीन और टीम बैठी हुई है उनकी, है ना। तो आप यहाँ से प्राइवेट क्लाउड भी लोकेट करवा सकते हो। तो फिलहाल मोस्टली लोग पब्लिक क्लाउड लेते हैं, अपने हाथ में लेते नहीं है। और ओके क्लिक करो, बन गई पॉलिसी, वाइल्ड फायर सैंडबॉक्सिंग बन सर गई। प्राइवेट क्लाउड में भी वही होगा कि प्राइवेट क्लाउड में भी वैसे ही चेक होगा जैसे पालो अल्टो क्लाउड में होता है पब्लिक? प्राइवेट क्लाउड में आपके अपने वर्चुअल मशीन होंगी, आप जैसे उस फाइल को मैनेज करना चाहो वैसे करो, आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता ओके है ना। पब्लिक क्लाउड हाँ में पालो अल्टो की टीम डिसाइड करेगी, प्राइवेट क्लाउड में आपकी आपकी कंपनी खुद की कंपनी की टीम डिसाइड करेगी कि पास करें नहीं करें। अब देखो पॉलिसी तो इसमें कोई बनी भी नहीं है, बना ही लेते हैं पॉलिसी। एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी, ठीक है। सोर्स जोन इनसाइड, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड, और एक्शन क्या कर लो, अलाउ, और इधर सेलेक्ट कर लो प्रोफाइल। तो हमें कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, वाइल्ड फायर एनालिसिस की। यहाँ जाओगे, वाइल्ड फायर सैंडबॉक्सिंग वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करो, लॉक कर लो, ओके कर दो। यहाँ पे कॉल हो गई, प्रोफाइल आपकी आ गया। तेरी प्रोफाइल ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इनसाइड से आउटसाइड में आने जाने वाले ट्रैफिक को वाइल्ड फायर पे भेज सकते हो। तो इट विल गिव यू एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन योर कंपनी, ठीक है। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देती है, और ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। दैट्स मेन रीज़न यही है वाइल्ड फायर यूज़ करने का। और आपका यह है वाइल्ड फायर फीचर, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन, कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था एंटीवायरस, एंटी स्पाइवेयर देखा था, यूआरएल फिल्टरिंग देखा, फाइल ब्लॉकिंग देखा, ठीक है। वाइल्ड फायर आज देखा है, नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन। तो वही है, इसमें थ्रेट को आप क्या कर सकते हो, और एडवांस लेवल पे जाके क्या कर सकते हो। तो हम जाएंगे भाई, आपका ये बात हुआ वाइल्ड फायर का, वाइल्ड फायर डिस्कस किया हमने। डायनेमिक ब्लॉक लिस्ट को समझाऊंगा, मेरे को एक लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। डायनेमिक ब्लॉक लिस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नाम बहुत बड़ा है। आपके पास मान लो 1000 आईपी हैं, जो क्या है, मिलीशियस आईपी। एक ना लिस्ट आती है, एक वेबसाइट है, मैं पढ़ाऊंगा जब भी बताऊंगा, उसमें क्या है, एक लिस्ट आती है बहुत सारे उसकी आईपीज की, मिलीशियस आईपीज की। तो 10,000, 20,000, 50,000 वो आपने डाउनलोड कर ली, और वो फाइल कहाँ अपलोड कर दी, पालो अल्टो पे, ठीक है। तो पालो अल्टो क्या करेगी, उस लिस्ट को क्या करेगी, मैच। तो ये है ब्लॉकिंग लिस्ट की आईपीज वाला फीचर।
ये जाएगा शायद फाइल ब्लॉकिंग में, नहीं चलो मैं बताऊंगा। इसमें एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाके क्या कर दो, टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर दो, उससे जो मैच होगा वो क्या होगा, ट्रैफिक देना है। अभी हम चलते हैं एक ACC देख लेते हैं, जो कि काफी आसान लगता है और आसान है भी। ACC वाला टैब है, बेसिकली दिस इज फॉर मॉनिटरिंग पर्पज, दिस टैब इज फॉर मॉनिटरिंग पर्पज। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट आवर का, लास्ट 30 डेज, 7 डेज में क्या चल रहा है, इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस, सोर्स आईपी एक्टिविटी। यार अभी तो कोई ट्रैफिक फ्लो हो नहीं रहा है हमारी फायरवॉल से, यहाँ पे ग्राफ्स बने हुए आते हैं बहुत सारे, ठीक है, ब्लॉक्ड एक्टिविटी, कोई ब्लॉक हुई है एक्टिविटी, थ्रेट ब्लॉक हुआ है, कंटेंट ब्लॉक हुआ है वो देख लो, URL ब्लॉक हुआ है वो देख लो, सब कुछ है, ठीक है, विच इज़ नॉट अवेलेबल रियल टाइम में। आई डोंट थिंक तो कि इसको हम यूज़ करेंगे। आप इसका डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर मांगता है आपसे कि भाई हर 7 डेज में मुझे इसका रिपोर्टिंग भेजो फायरवॉल का, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, ये सारा डेटा क्या हो जाएगा एक्सपोर्ट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूजर एक्टिविटी, बाइट्स, सेशन, थ्रेट, कंटेंट, URL एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो जस्ट फॉर मॉनिटरिंग पर्पज आई डोंट थिंक सो कि आपको ये काम मिलेगा, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। तो ACC वाला टैब कुछ ऐसा ऐसा है, सिंपली मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, खुद ही समझ में आ रहा होगा, मुझे इसमें कुछ ऐसा बताने का है नहीं कुछ पॉइंट। नेक्स्ट है मॉनिटर टैब। मॉनिटर टैब में आपका लॉग्स है, लॉग्स के अंदर आप ट्रैफिक के लॉग्स अलग से दिखाएगा, थ्रेट कोई आइडेंटिफाई हुआ है उसके लॉग्स अलग से दिखाएगा, URL फिल्टरिंग के लॉग्स अलग से दिखाएगा, वाइल्ड फायर सबमिशन के लॉग्स अलग से दिखाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक सैम्पल, पालो अल्टो लॉग, ठीक है, दिख रहा है कैसा है ये ट्रैफिक का लॉग, ट्रैफिक के लॉग में क्या हो रहा है, रिसीविंग टाइम है ना, कैसा टाइप है, एंड टाइप है, टस्टेड फ्रॉम टस्टेड जोन कौन सा है, और टू ट्रस्ट से अनट्रस्ट क्या है, ये पैकेट क्या सोर्स था, ये था डेस्टिनेशन क्या था, ये कौन से पोर्ट के लिए था, 443 SQL रिक्वेस्ट थी, एक्शन क्या किया गया, अलाउड कितनी बाइट ऑफ डेटा था, 10.7, ओके। नीचे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कुछ भी सर्च करना है, ये ऊपर सर्च का बटन है, यहाँ पे जाओ और अपना जो भी कंटेंट जो भी लिखना है लिखो। राइट साइड में कुछ फिल्टर्स हैं आपके पास अवेलेबल, जरा ये फिल्टर है, सर्च कर लो, आप कोई स्पेसिफिक IP सर्च कर रहे हो तो वो डाल लो, ठीक है, कंडीशन बना सकते हो और फिल्टर लगा लो, अकॉर्डिंग आपको ये फायरवॉल क्या दिखा देगी, लॉग। एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो इसे, नथिंग न्यू, सब कुछ सिंपल सिंपल है। और दिखाऊं लॉग में आपको, तो मैं इसी टैब किसी में दिखा रखी है क्या, मोस्टली ट्रैफिक के लॉग से चेक करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो थोड़े बहुत। ये देखो वाइल्ड फायर के जितने भी वाइल्ड फायर सबमिशन हुए ना उनके लॉग हैं, रिसीव टाइम ये है, वाइल्ड फायर टेस्ट की फाइल और TXT, सोर्स क्या है एक्सटर्नल, डेस्टिनेशन क्या है इंटरनल, बाहर से हमारे इंटरनल में आया ये, ठीक है, अटैकर कौन सा था, ये IP था, विक्टिम ये है आपका, और पोर्ट नंबर कौन सा यूज किया गया, ये एप्लीकेशन कैसी थी, वेब ब्राउजिंग,
रिजल्ट क्या दिया है इन्होंने कि ये मिलीशियस? कुछ बताने का मुझे इसमें लगने का, लेकिन हाँ आप फिल्टर देख सकते हो, देखो 30 सेकंड के अंदर अंदर हुआ ये सारा काम। सर ये जो विक्टिम है मतलब जिस पे आया हुआ है ट्रैफिक वो है क्या जिस पे अटैक हुआ है? हाँ बिल्कुल वही है, ओके इसके ऊपर अटैक परफॉर्म हुआ है, ये है विक्टिम, इंटरनल यूजर है हमारा, ये जो भी है इंटरनल यूजर है या सर्वर है, इन आईपी से अटैक परफॉर्म हुआ। सिस्टम लॉक नहीं है इसमें, आपका दिखा रहा है भाई वीपीएन कब कनेक्ट हुआ कब डिसकनेक्ट हुआ, जो भी मतलब इस फायरवॉल के अंदर जो चीजें हो रही है उन सब को दिखा रहा है। URL filtering, URL filtering receive time this category कैसा था search engine, ये URL है सर थोड़ा करना blur है थोड़ा सा, हाँ हाँ बस तो search engine है ये URL है, from trust to untrust जा रहा था source IP से, IP blur है, एप्लीकेशन टाइप वेब एप्लीकेशन है, और क्या करा इन्होंने अलर्ट जनरेट किया इसके लिए, कितने ये टाइम स्टैम्प है। फूल आसान है समझना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लॉक्स में रीडेबल है, मतलब इस समझ में आ रही है चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कुछ नया नया सा कोई वर्ड रखा हुआ है इन्होंने। सर ये सारे लॉग्स ये मॉनिटर टैब में ही देखे जाएंगे ना, ट्रैफिक लॉग सिस्टम लॉग मॉनिटर टैब में ही है सारे, यूआरएल पे मॉनिटर टैब के अंदर है, देखो ट्रैफिक थ्रेट यूआरएल फिल्टरिंग वाइल्ड फायर सबमिशन है ना। हाँ हाँ ठीक है, मेन तो देखते हो ट्रैफिक, अगर कोई ट्रबल शूटिंग हो रही है ना तो ट्रैफिक को देख लोगे। मान लो कोई यूजर आता है आपके नेट, वो कहता है कि भाई मैं तो 12 घंटे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा सर्वर से, जो फायरवॉल के पीछे जो सर्वर लग रहा है उससे मैं बात ही नहीं कर पा रहा, आप क्या करोगे, ट्रैफिक में जाओगे फिल्टर लगाओगे, यहाँ से पकड़ के फिल्टर का नाम दोगे और जो भी आगे फिल्टर लगाओगे और ये फाइंड आउट करोगे क्या ये सोर्स इस डेस्टिनेशन पे रीच कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको लॉग दिख जाएंगे कि लास्ट उसने कब रीच, सिंपल सी बात। तो उसको यूजर को दिखा दो भाई हमारी फायरवॉल के अकॉर्डिंग तो आप आपका मशीन जो है कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर से, बट मे भी हो सकता है कि सर्वर पे कोई पोर्ट ओपन नहीं है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी रीजन हो सकता है। यस सर यही है बस सिनेरियो, आई थिंक आज के लिए काफी है, वीकेंड वाला डे है।